करीला नाम सुनते ही राई बधाई की तस्वीर आंखों में घूमने लगती है। कहते हैं यहाँ सीता माता ने अपने पुत्र लव और कुश को जन्म देकर उनका पालन पोषण किया था। यहाँ पर भगवान राम के बिना माता सीता मैया का मंदिर है। भाई जी, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध है। जब भगवान राम ने मर्यादा का पालन करते हुए सीता जी का परित्याग कर दिया तब वह इसी स्थान पर रही थी। यहाँ लव कुश और वाल्मीकि जी का भी मंदिर है। वाल्मीकि गुफा पंचमी के दिन ही खुलती है। इस गुफा में जलने वाली ज्योति वर्ष भर जलती रहती है। दूर दूर से श्रद्धालु माता जानकी के दरबार में बधाई करवाने आते हैं। वैसे तो इस सिद्ध स्थान में सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन बच्चों के जन्म पर बधाई का यहाँ विशेष महत्व है। महिला पुरुष यहाँ गोद भरने की मनोकामना लेकर जाते हैं, फिर यहाँ राई नृत्य के रूप में बधाई होती है। रंग पंचमी का यहाँ का मेला देश भर में प्रसिद्ध है। शनिवार को भी यहाँ श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। शुक्रवार की रात तक यहां लगभग 10 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके थे। शनिवार की दोपहर तक आंकड़ा 25 लाख पहुंच चुका था। चारों तरफ दूर दूर तक जहां नजरें जा पाती भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। हजारों नर्तकियां यहां पारंपरिक अंदाज में राय नृत्य पेश कर रही थी। सभी ओर से बधाई के सुर ही सुनाई दे रहे थे। गांव-गांव और शहरों से लोग यहां बधाई करवाने पहुंचे। विशाल मेले में लोगों की जरूरतों का हर उपयोगी सामान मिलता है, इसलिए मेले में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने भी पहुंचते हैं। पहले यह मेला अपने आप ही लगता था, अब प्रशासनिक व्यवस्थाएं होने लगी हैं। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता है। वीआईपी नेता और अफसर भी इस स्थान पर पहुंचते हैं। शनिवार को यहाँ नजारा देखते ही बन रहा था। लाखों की भीड़ मन में श्रद्धा लिए माता के दरबार में शीश झुका रही थी। रोशनी से जगमग करीला धाम लोगों का मन मोह रहा है। मेरा सौभाग्य है, आज मैं करीला धाम पे माता जी के दर्शन करने आया हूँ। मुझे बताया गया कि रंग पंचमी पे हर साल यह मेला भरता है और जैसा कि मान्यता है कि माता जानकी का ये धाम है जहाँ भगवान लव कुश का जन्म हुआ था। मैं आस्था और श्रद्धा के इस केंद्र पर शीश नवाता हूँ और मध्य सरकार की ओर से कुछ काम अतीत में माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए थे और बाकी जन सहयोग से भी काम हुआ था। मैं कोशिश करूँगा, मेरे साथ यहाँ के सांसद केपी सिंह जी यादव और महेंद्र भैया और बाकी मित्रगण यहाँ मौजूद हैं, विजयन यादव जी भी, हमारे विधायक जी मौजूद है। आने वाले समय में पूरे धाम को लेकर के आचार संहिता के बाद विस्तृत प्लान भी बनाएंगे और यहाँ ठीक से काम कराएंगे, क्योंकि आस्था के जो ऊपर से दिखाई देता है हेलीकॉप्टर से, ऐसा लगता है कि वाकई बहुत विशाल समुद्र जैसा हो गया है। मैं अपनी ओर से बहुत जबरदस्त रूप से, और ये जो गर्भगृह में अग्नि प्रज्वलित होती है पूरे साल तक, एक बार जैसे बंद होती है तो अगली बार ही खुलती है, ये कई चमत्कार है। मेरी अपनी ओर से मध्यप्रदेश वासियों से मैं कामना करता हूँ माता जी की सबकी उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे, सीता माता की और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अयोध्या धाम बना है उसके बाद तो इन स्थानों का और महत्व बढ़ा है। हमने चित्रकूट में भी प्राधिकरण बनाया, चित्रकूट में भी काफ़ी विकास के काम कर रहे हैं और हमारी सरकार ने तय किया है कि जहाँ जहाँ भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं वहाँ वहाँ लीला हुई है, उन स्थानों को, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे, ये हमारी अपनी सरकार का निर्णय है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के या हमारे धार्मिक पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति के प्रमाण जिनके आधार पर हमारे अपने अभावी बच्चों को, पीढ़ी को अलग अलग प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हो, जिस प्रेरणा के बलबूते पर भारतीय संस्कृति पर विश्वास बढ़े, ऐसे पाठ्यक्रम को भी हम जोड़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज पुनः आप सबके प्रति जानकी धाम पर आकर के उनकी कृपा हम पे बनी रहे और जनता के बीच सेवा करते रहे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का ये पर्व चलता रहे, मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में भव्य और दिव्य धाम बने।
आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।